हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो मुझे व्लॉगिंग करने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, वो पार्सल मेरा आज मॉर्निंग में आ चुका है। मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक व्लॉग बनाता हूँ ताकि मैं आपको वो चीज़ दिखा सकूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप व्लॉगिंग करते हो, आप एक व्लॉगर हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। प्लीज़ बने रहना वीडियो के एंड तक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे मेरे पास काफ़ी टाइम से नहीं थी। मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग बना रहा हूँ बट मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ना ये ट्राईपॉड लिया था फैशन स्ट्रीट से। जब मैं आर्यन के बर्थडे की शॉपिंग करने गया था, तो आपने देखा रहेगा कि ये वाला ट्राईपॉड लिया था मैंने। मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग करता था ना फ़ोन से, तो मतलब उसमें फ्रेम में क्लियर नहीं आता था, कभी ये सर कट जाता था कभी कुछ भी। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है ब्लॉग बनाने के लिए काफ़ी। मेरे पास पहले से भी एक ट्राईपॉड था ये वाला, बट ये ना यार काफ़ी वेटेड है इसके कंपेरिजन में। ये ना काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का है, मतलब अच्छे से ना ब्लॉगिंग कर सकते हैं इससे पकड़ के। इसमें ना हाथ पेन भी नहीं होता है और आप इतनी हाइट तक उठा सकते हो इसको। ये यार काफ़ी वेटेड है ना, हाथ में दर्द होने लगता है इसको पकड़ने में। मुझे तो लगता ही है आधा के जी का होगा है ना, तो इसके लिए मैंने ये वाला चूज़ किया था। आज से ना मैं ये इसको ट्राई करने वाला हूँ और देखता हूँ कैसे क्लैरिटी आती है, फ्रेम कैसा आता है। सो गाइस, दूसरी जो चीज़ जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, वो ये है। मैं इसको अभी ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ है ना। चलो करते हैं इसको ओपन। पैकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, बारकोड भी आप देख सकते हो है ना, बट इसमें ना एक्स्ट्रा पैकिंग करके नहीं दिया इसने। मैं इसको अभी ओपन कर लेता हूँ, पता नहीं क्या है, आपको देखने के बाद पता चलेगा। इसमें एक और पैकिंग दिया है, देखते हैं। तो मैंने ये मंगाया है, ये है पावर बैंक, ठीक है ना, एम्ब्रेन, पता नहीं न्यू ब्रांड है और काफ़ी अच्छा है, छोटा भी है, ज़्यादा वेट नहीं है, लाइट वेट है, बिल्कुल हल्का से पॉकेट में रख सकते हैं इसको कहीं भी। और 10,000 mAh का ही है। मैं ये इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि जब मैं विरार से काफ़ी दूर जाता हूँ ना व्लॉग बनाने के लिए, जैसे कि लाइक दादर, चर्च गेट या कहीं भी अगर निकलता हूँ, तो आईफोन है मेरे पास, जब से आईफोन लिया ना बैटरी की काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो इसके लिए मैंने पावर बैंक लिया। मुझे ना ज़रूरत पड़ती क्योंकि यार हर जगह तो चार्जिंग कर नहीं सकता ना, यहाँ से मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है व्लॉग बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था पावर बैंक। अगर आप भी व्लॉग बनाते हो तो पावर बैंक आपको कैरी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो पावर बैंक आप भी अपने साथ रखो है ना। चलते हैं अब ट्राईपॉड से एक बार ट्राई करेंगे कैसा फ्रेम आता है। सो गाइस, अभी ना मैं ट्राईपॉड लगा के शूट कर रहा हूँ, ये जो क्लिप मैं बना रहा हूँ तो ट्राईपॉड लगाया मैंने, तो अभी देख सकते हो फ्रेम और बैकग्राउंड वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, मतलब पूरा मेरा फेस और वो आ रहा है। जब मैं फ़ोन मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के करता था ना, तो थोड़ा सा ऐसा सर मेरा थोड़ा सा नहीं आता था या फिर कभी नीचे करता, बट अभी जब मैं ट्राईपॉड लगाया तो पूरा आता है, मतलब अच्छे से आप एडजस्ट कर सकते हो। और इस ट्राईपॉड की जो ग्रिप है ना काफ़ी अच्छी है यार, देख सकते हो बैकग्राउंड पूरा आ रहा है आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मुझे फील भी अच्छी आ रही है कि हाँ मैं सच में आप व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।